हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे DOE यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 26 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट मैथ्स है, डेट है इसकी 24 दिसंबर। तो बेटा आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर विद डेसिमल। अभी हमने लास्ट वर्कशीट में डेसिमल्स का एडिशन सीखा था, अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो बेटा सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके से करना है जैसे एडिशन करना है। तो चलिए देखते हैं। हरी एंड हीना वेंट टू द मार्केट टू परचेस अ गिफ्ट। हरी और हीना जो है मार्केट जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, एक गिफ्ट खरीदते हैं। हरी परचेज अ गिफ्ट विद डिस्काउंट ₹9.89। हरी जो है एक गिफ्ट खरीदता है, ठीक है, जिस पे डिस्काउंट उसे मिलता है ₹9.89 का। और हीना परचेज द सेम गिफ्ट विद अ डिस्काउंट ऑफ ₹10.99। और हीना भी वही गिफ्ट खरीदती है लेकिन उसे कितना डिस्काउंट मिलता है, ₹10.99 का। हु गॉट मोर डिस्काउंट एंड बाय हाउ मच। किसे ज़्यादा डिस्काउंट मिला और कितना मिला। अब देखो सबसे पहली बात, हरी को डिस्काउंट मिला है 9.89 का, ठीक है, और हीना को डिस्काउंट मिला है ₹10.99 का। तो सबसे पहले हम इन्हें कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए क्या रूल था कि होल नंबर देख लेते हैं डेसिमल से पहले, ये 9 है और ये 10 है, ठीक है, तो ये बड़ा है, इसके बाद डेसिमल देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पता चला किसको डिस्काउंट ज़्यादा मिला, हीना को डिस्काउंट ज़्यादा मिला, ठीक है। अब आता है कितना ज़्यादा मिला, तो इसके कितना ज़्यादा मिले के लिए क्या हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हीना का डिस्काउंट है ₹10.99 और हरी का डिस्काउंट है ₹9.89। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम वही चीज़ है कि आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। जैसे 10.99 है तो 9.89 कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है, फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर आ जाएगा ₹1.10। ओके, तो इस तरीके से करना है। आगे है टू सब्ट्रैक्ट्स डेसिमल, फॉलो दी स्टेप्स। फर्स्ट है राइट डाउन द टू नंबर्स वन अंडर द अदर विद द डेसिमल पॉइंट लाइनअप, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। पुट इन जीरो सो द नंबर हैव द सेम लेंथ। अगर कम है तो वहाँ पे जीरो लगा दीजिए, मतलब जैसे अगर सपोज 10.99 है और दूसरा होता 9.8, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हम इसको लिखते हैं 10.99, दूसरा नंबर क्या है 9.8, तो इसके नीचे हम 9 के जीरो लगा देते हैं, या यू कैन से कि 8 के साथ हम जीरो लगा लेते हैं ताकि इनकी लेंथ जो है इक्वल हो जाए। डेसिमल के बाद दो डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद दो डिजिट आ जाती, फिर उसको माइनस कर देते और इस तरीके से आंसर हम निकाल लेते, ठीक है। तो और फिर उसके बाद देन सब्ट्रैक्ट एज यूजुअल। अब एग्जांपल दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 11.2 फ्रॉम 15.45। तो 15.45 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 11.2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के साथ कोई नंबर नहीं है लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे, ओके, फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि आंसर आ जाएगा 4.25। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है सब्ट्रैक्ट करना है। पहला है 17.35 फ्रॉम 30.8। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान करना है सब्ट्रैक्ट में, हमेशा जो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होगा हमेशा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। कई बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होगा उसे ऊपर लिखना है, मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहला है 30.8, दूसरा है 17.35। अब देखो ये मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, अब यहाँ पर 8 के साथ कोई नंबर नहीं है, ठीक है, कोई डिजिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ 5 बैठा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, ज़ीरो लगा दूँगी, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। अब 10 में से 5 किया 5, यहाँ बचा 7 में से 3 किया 4, यहाँ ये डेसिमल आ गया, यहाँ 10 में से 7 गया 3, फिर 2 में से 1 गया 1, तो आंसर आ गया 13.45। तो इसका आंसर बना 13.45। दोबारा देख लेते हैं, 30.8 है तो हमने 30.8 लिखा, दूसरा नंबर है 17.35, लेकिन यहाँ पर 5 के ऊपर कुछ भी ना वो नहीं है, डिजिट नहीं है, तो हमने 8 के साथ 0 लिख लिया इसकी लेंथ बराबर करने के लिए। फिर यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जा सकता, इससे इसने कैरी किया, 10 बना, 10 में से 5 किया 5, यहाँ बना 7 में से 3 गया 4, फिर यहाँ अगेन 10 बना, 10 में से 7 गया 3, और ये 2 में से 1 गया 1, 13.45। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 52.97 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 11.3
सेवन। अब देखो सेवन के साथ कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, लेकिन यहाँ दे रखी है तो इसके साथ हम जीरो लगा देंगे। किया सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सेवन में से जीरो गया सेवन, नाइन में से सेवन गया टू, डेसिमल के नीचे डेसिमल, टू में से वन गया वन, फोर फाइव में से वन गया फोर, तो आंसर आया 41.27। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है 201 99, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 21.29। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, नाइन में से नाइन गया ज़ीरो, नाइन में से टू गया सेवन, अब वन में से वन गया ज़ीरो, अब टेन में से टू गया एट, और यहाँ बचा वन, तो यहाँ गया 180.70, 180.70। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ तो सीधा सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो इसमें जैसे लिखा वैसे लिख देंगे 18.5, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 9.84। अगेन डेसिमल के बाद दो डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद एक है, तो इसके साथ हम जीरो लगा देंगे। सब्ट्रैक्शन का साइन, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 14, ठीक है ना, 4 बचा, 4 में से 8 गया 6, डेसिमल का डेसिमल, यहाँ 7 रह गया, 17 में से 9 गया 9817 8.66। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 8.66। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जॉन बॉट 5.5 kg शुगर, जॉन ने 5 किलो 5.5 किलो शुगर खरीदी, ठीक है, 4.5 kg ऑफ शुगर वॉज स्पेंट इन मेकिंग स्वीट, इसमें से 4.5 kg उसने किस में खर्च कर दी है, मिठाई बनाने में, हाउ मच शुगर लेफ्ट, अब कितनी शुगर उसके पास बची है, देखो कितनी शुगर खरीदी थी उसने 5.5 kg, तो इसमें लिखेंगे जॉन, इसको बेटा इस तरीके से लिखेंगे, जॉन बॉट शुगर इज इक्वल टू कितनी 5.5 kg, ठीक है जी, इसके बाद कितनी खर्च करी है उसने मेकिंग स्वीट बनाने में 4.5, तो यहाँ लिखेंगे स्पेंट ऑन मेकिंग शुगर, ये बेटा मैं वैसे लिख रही हूँ स्क्रीन पे, तो इसलिए थोड़ा राइटिंग ऐसी आ रही है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4.5 kg, तो बताओ कितनी बची, तो यहाँ लिखेंगे शुगर लेफ्ट, शुगर लेफ्ट इक्वल्स टू, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, तो यानी कि 1.0 kg, यानी कि 1 kg, तो आंसर लिखेंगे 1 kg शुगर लेफ्ट बिहाइंड, ओके, 1 kg शुगर लेफ्ट बिहाइंड, ओके। सो बेटा यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।